हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आईएससी स्टेनो। आज हम लेके आ रहे हैं किरण चैप्टर वाइज का पार्ट टू। इससे पहले वाले वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चंस किए थे, 1 to 50 वाले। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 1 to 50 वाले किए थे। अब इसके बाद 51 to 100 कवर करेंगे। ये सीरीज चैप्टर वाइज चल रही है। चैप्टर वाइज एज इन, जैसे कि आपके टॉपिक्स है, वर्ब हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, नाउन हो गया, तो किरण की बुक में जितने भी क्वेश्चन वर्ब से रिलेटेड है, कॉमन एरर के सेक्शन में हम वो कवर कर रहे हैं। मिक्स जो है हम अगली वीडियोज़ में करेंगे, पहले हम अलग अलग करा रहे हैं ताकि आप एक बार कंसेप्ट प्रैक्टिस कर लो और डायरेक्ट क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि बुक में तो मिक्स दिया होता है, पता नहीं चलता कि कहाँ से कौन सा वाला क्वेश्चन आ रहा है। अगर पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस किया होगा तो फ़ायदा ये रहेगा कि कंसेप्ट पक्के हो जाएंगे। जब मिक्स क्वेश्चन आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको अलग अलग क्वेश्चन ढूंढने में ही टाइम लगता है, मिक्स तो आपको सब जगह मिल जाता है। ठीक है, तो ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना, समझना और प्रैक्टिस करना, वीडियो के बाद दोबारा उसको चला के समझना, क्योंकि ये कंसेप्ट ही हैं जो रिपीट होते हैं आपके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो है कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस दी हुई है मेरे बारे में। काफ़ी चीज़ें, मतलब स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कि मैम क्वालिफिकेशन क्या है, क्या चीज़ें हैं, तो मैंने कहा एक ऐड कर लेते हैं इसमें। तो क्वालिफिकेशन ने मैंने बैचलर्स करी है, मास्टर्स करी है और शॉर्ट हैंड में पिछले 7 सालों से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, एंड एग्ज़ाम कौन कौन से क्वालिफाई किए हैं, सबसे मेन क्वेश्चन यही होता है आप लोगों का। तो मैंने जो है SSC स्टेनो वाला दिया है, 3 दफ़ा दिया हुआ है, टेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिया है, DSSS भी दिए, KVS बहुत सारे दिए, क्वालिफाई भी किए, बट मेन है कि मेरा जो पैशन है वो टीचिंग में है, जॉब में नहीं है। दैट इज़ द रीज़न मैं यहाँ पे हूँ। ठीक, एंड जो मैं ट्रेनर हूँ यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट हैंड करियर में, ISC स्टेनो के नाम से आप लोग जानते हैं। यहाँ पे जो है मैं टीचर हूँ, मेन टीचर हूँ, जो आपकी क्लासेस लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पेड कोर्स वगैरह करना होगा या और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके अलावा, तो आप लोग जो है हमारे सोशल मीडिया वेब पेजेस पे जो है जाके हमसे डायरेक्ट वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी जो है स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है, सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड बिफोर इट वॉज रिलीज। जो सीन्स थे पिक्चर के उन्हें क्या कर दिया गया, इसमें लिखा है सेंस्योर्ड कर दिया गया। सेंस्योर्ड कुछ नहीं होता, सेंसर्ड होता है। क्या होता है? सेंसर्ड होता है। सेंस्योर्ड का मतलब अलग होता है। एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको। यहाँ पे आप पहले लिख लो, जो एक्चुअल आंसर आएगा वो आएगा सेंसर। ये सेंस्योर हो गया आपका और ये हो गया आपका वर्ड सेंसर। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो यहाँ पे ये सेंसर दिया है, ये यूज़ होता है जब आप किसी पिक्चर का पार्ट जो है उसको आप जो होता है मना कर देते हो कि सेंसर हो गया वाला पार्ट, ये हम नहीं दिखाएंगे मूवी का पार्ट, ऑफेंसिव है कुछ, मतलब क्या है कि आपके सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है या अडल्ट वो है, तो उस केस में क्या होता है, हम सेंसर की बात करते हैं कि बोर्ड ने क्या किया कि सेंसर कर दिया कि भाई ये सीन नहीं दिखाया जाएगा इस मूवी में। पर अगर हम सेंश्योर कहते हैं, उसका मतलब होता है हम किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मीनिंग लिख लो सेंश्योर का, जो यहाँ पे दिया इसका मतलब है टू क्रिटिसाइज समबडी, टू क्रिटिसाइज समबडी, नोट करो। और जो सेंसर का मीनिंग है उसका मतलब है टू एडिट ऑफेंसिव पार्ट ऑफ अ मूवी, टू एडिट ऑफेंसिव पार्ट ऑफ अ मूवी, ये डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पे क्या बात हो रही है, मूवी रिलीज की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या है, सेंसर की बात होगी। पर अगर किसी को मना करने की बात हो रही है, क्रिटिसाइज करने की बात हो रही है, तो हम सेंश्योर का यूज़ करेंगे, ये डिफरेंसेस के अंदर। इसके आगे मैंने एक जो है इमेज ऐड कर रखी थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है। अब सेंसर क्या है, सेंसर हो गई मूवी, इसका मतलब क्या है कि एडिट ऑफेंसिव पार्ट, कि कोई मूवी है उसमें से कोई पार्ट है उसको उन्होंने हटा दिया है, बैन कर दिया कि ये पार्ट कट हो जाएगा, ये हम नहीं दिखाएंगे पब्लिक में। ठीक है, और फिर दूसरा है सेंसर, सेम बोलने में सेम है, स्पेलिंग में डिफरेंस है। सेंसर क्या है, डिटेक्टर, हर चीज़ में सेंसर होता है, हीट का सेंसर हो गया, आपके रिमोट कंट्रोल में सेंसर होता है, उस टाइप का एग्जांपल है इसमें। और लास्ट से सेंश्योर मतलब कंडेम, कंडेम का मतलब वो टू क्रिटिसाइज समबडी, जो मैंने आपको बताया है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है, आगे देखते हैं। अगला आ रहा है क्वेश्चन हमारा, द प्रेजिडेंट ओवरटेक्स इन बांग्लादेश। अब यहाँ पे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, प्रेजिडेंट ओवरटेक कर रहा है, गाड़ी थोड़ी तो प्रेजिडेंट चला रहा है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या मतलब हुआ कि जो गाड़ी बनी हुई है ये प्रेजिडेंट है और ये बांग्लादेश है, कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा। यहाँ पे क्या होगा, द प्रेजिडेंट ओवरटेक्स नहीं आएगा, इसके ऊपर जगह पे आएगा टेक्स ओवर। क्या आएगा? टेक्स ओवर। ठीक है, नोट करो एक बार, ये नोट कर लिया। अब इसमें क्या है, टेक्स ओवर आएगा, क्यों? क्योंकि ओवरटेक का मतलब अलग होता है, ओवरटेक का मतलब होता है जो हम गाड़ी ओवरटेक करते हैं,
जैसे कि कोई व्हीकल जा रही है उसको ओवरटेक करना, जैसे ये है ना यहाँ पे ये ओवरटेक करना, इसे ओवरटेक कहते हैं। तो मीनिंग में लिख लो ओवरटेक का, टू गो पास्ट अ मूविंग व्हीकल, गो पास्ट अ मूविंग व्हीकल, ठीक है। और आपका टेक्स ओवर का मीनिंग लिखो, टेक्स ओवर का मीनिंग होता है टू गेन कंट्रोल ओवर समथिंग, टू गेन कंट्रोल ओवर समथिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट ने अपना कंट्रोल गेन किया है बांग्लादेश के ऊपर, ना कि ओवरटेक कर लिया है, ठीक है। ये डिफरेंस है, आगे देखते हैं। आगे मैंने जो है टेक से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपके फिक्स प्रेपोजिशन आते हैं। टेक के साथ जैसे टेक ऑफ हो गया, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, प्लेन जो होता है टेक ऑफ करता है ना, प्लेन जो है टेक ऑफ हो रहा है। टू राइज इन टू द एयर एंड बिगिन फ्लाइट, द प्लेन टुक ऑफ द टाइम, जो प्लेन है उसने क्या किया, टेक ऑफ किया, टुक ऑफ किया, एक ही चीज़ है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। उसी तरीके से टेक इन आ गया, टेक इन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। जैसे हम बोल रहे हैं इट वॉज डिफिकल्ट टू टेक इन ऑल ही सेड, मतलब समझना थोड़ा मुश्किल था जो भी उसने कहा। तो उस केस में जब समझने की बात हो रही है उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, टेक इन का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल इन कैरेक्टर और अपीयरेंस, मतलब जब कोई किसी को रिजेंबल करता है, जैसे कोई बाप बेटे का रिश्ता है, तुम कहते नहीं है कि जो सन है वो क्या है, टेक आफ्टर हिज फादर, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है वो अपने फादर से, अपीयरेंस में, कैरेक्टर में, किसी चीज़ में भी हो सकता है। तो उस केस में क्या है, टेक आफ्टर का यूज़ होगा। उसी तरीके से है टेक अप, हम कहते नहीं कि आई हैव टेकन अप अ न्यू हॉबी, मैंने एक नई हॉबी स्टार्ट की है, मतलब टू स्टार्ट अ न्यू हॉबी, जब भी टेक अप यूज होगा मतलब वो हॉबी के बारे में उस सेंस में यूज किया जा रहा है। फिर आ रहा है टेक ऑन, टेक ऑन का मतलब होता है किसी को आप एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो उस सेंस में। टेक ओवर होता है आप किस चीज़ पे कंट्रोल गेन कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आर कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय अ राइवल, मतलब जो दुश्मन कंपनी थी उसने टेक ओवर कर लिया हमारी कंपनी के ऊपर। फिर आ रहा है टेक बैक, टेक बैक होता है टू रिटर्न समथिंग टू द प्लेस वेयर इट वॉज बॉट, मतलब चीज़ को वापस रखना, ठीक है। जैसे आई टुक दैट टीवी सेट बैक, मैंने वो टीवी सेट वापस ले लिया। तो ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि आप थोड़ी और चीज़ें भी जान पाओ टेक के साथ साथ जो आती हैं टेक ओवर के अलावा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना नीचे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है, आई सजेस्ट दैट ही गोज टू द डॉक्टर एज सून एज ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे देखो आई सजेस्ट दैट ही गोज, सेंटेंस थोड़ा सा पैसिव में जा रहा है, तो यहाँ पे ही गोज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ही शुड गो। मैं नीचे लिख देती हूँ ही शुड गो। तो स्टेटमेंट कैसे बनेगी, आई सजेस्ट दैट ही शुड गो टू द डॉक्टर, कि उसे डॉक्टर पे जाना चाहिए जैसे ही वो वापस आता है एग्जाम से, ठीक है। तो एरर इसमें है, यहाँ पे ही शुड गो का यूज होगा, सेकेंड पार्ट में एरर है। अगला देखो, अगला आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक द गार्ड्स अलाउड अस एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या है, एक तो हमने देखा टू प्लस वी वन का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे टू सर्च का यूज़ हो रहा है, और उससे पहले हमने देखा यहाँ पे वर्ब कहाँ दिया हुआ है, ये एंटर दिया हुआ है, एंटर से पहले यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे टू का मेंशन नहीं है, इसे हम थोड़ा बैलेंसिंग द स्टेटमेंट कहते हैं, कि अगर टू प्लस वी वन का दिया होता तो आगे भी क्या है, टू प्लस वी वन का यूज़ होता है। तो स्टेटमेंट कैसे बनेगी, इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक द गार्ड अलाउड अस टू एंटर, मैं यहाँ लिख देती हूँ टू एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आर फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स को सर्च करने के लिए, ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आ रहा है, Neither of the two children said their prayer before going to bed. ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, neither either वाला, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, neither हो गया, neither of हो गया, either of हो गया, ये सब वर्ड्स है, पिछली वीडियो में भी कराए थे। इसके बाद क्या है, आगे प्लूरल आता है नाउन, दिया हुआ है प्लूरल नाउन, इसके बाद क्या है, प्लूरल नाउन आता है, पर जो वर्ब लगता है वो क्या लगता है, हमेशा सिंगुलर लगता है, ये रूल है। अब यहाँ पे क्या है, said their prayers, देयर नहीं आएगा, देयर तो प्लूरल हो गया, हमें क्या लगाना है, हमें सिंगुलर लगाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हिज प्रेयर, क्या आ जाएगा, हिज। और सिंपल सी बात है, अगर प्रेयर की बात हो रही है तो प्रेयर में सेड का यूज़ नहीं होता, ऑफर्ड का यूज़ होता है, हम ऑफर करते हैं अपनी प्रेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लो ऑफर्ड हिज प्रेयर, मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे ऑफर्ड हिज प्रेयर होगा,
ये आएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। सेड की जगह पे ऑफर्ड, ऑफर्ड हिज प्रेयर, ये आंसर रहेगा। तो कैसे बनेगा, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन ऑफर्ड हिज प्रेयर, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर आना है। जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में तुम्हें नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ दिख जाए, आगे हमेशा प्लूरल नाउन और उसके आगे हमेशा सिंगुलर वर्ब रहता है, ठीक। आगे देखते हैं, अब ये कुछ जो है हमारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है आईएससी स्टेनो के नेम से है इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है। आप फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो और आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, तीनों पे आप कर लेना ताकि नोटिफिकेशंस आती रहे वीडियोस की जो अपकमिंग आती रहेंगी, अब ठीक है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारा रिटन का मटेरियल यहाँ पे धीरे धीरे मिलता रहेगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुर्गन दैट बिकॉज ऑफ हिज सीवियर क्रैम्प्स ही शुड ले इन द बेड फॉर अ फ्यू डेज। अब यहाँ पे तुमने देखा ले दिया है, क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है लाई ले लेड इनके ऊपर और कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। यहाँ पे पहली बात, यहाँ तो ले तो आएगा नहीं, यहाँ पे लाई आएगा। अब क्यों आएगा बता देती हूँ मैं, यहाँ पे ले का मतलब जो दिया हुआ है उसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को फ्लैट ऐसे टेप रख देते हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजिशन में रख देना, टू प्लेस समथिंग, राइट। तो इसका आप लिख लो एक बारी, टू प्लेस समथिंग डाउन फ्लैट, मतलब आपने ये बुक ली, एक बुक ली और ऐसे ये यहाँ रख दी, ठीक। और जो लाई होता है उसका मतलब होता है टू बी इन अ फ्लैट पोजिशन, मतलब खुद जो है लेट जाना सीधा, ठीक है। टू लाई या टू बी इन अ, टू बी इन अ फ्लैट पोजिशन और सरफेस, फ्लैट पोजिशन और ऑन अ सरफेस, मतलब किसी सरफेस के ऊपर लेट जाना खुद से। और ले में क्या है, ऐसे रख के रखना, बस ये डिफरेंस है दोनों में। थोड़ा और बेटर समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ऐड की आपके लिए। अब कैसे पता चलेगा, अब लाई है, लाई का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म लाई, ले, लेन और लाइन। अब क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमारे में लेटने की बात हो रही थी यहाँ पे, तो क्या हुआ यहाँ पे आपका लाई का यूज़ हुआ, ठीक है। और यहाँ पे मीनिंग में भी दे रखा है, लाई का मतलब क्या है, टू बी या फिर टू स्टे और अज्यूम रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन, या आई लाई डाउन ऑन अ काउच, मैं काउच पे सीधा लेट जाती हूँ। और दूसरे का मतलब क्या है, ले मीन्स टू पुट ऑन और सेट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को ऐसे पकड़ा और ऐसे यहाँ पे टेबल पे रख दिया हॉरिजॉन्टल पोजिशन में, उस केस में आपका क्या है, ले का यूज़ होगा। ले के फॉर्म्स दिए हुए हैं, ले है, लेड है, लेड है और लेहेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस लगेगा। डिफरेंस समझ लो, जब लेटने की बात हो रही है तो लाई ये वाला यूज़ होगा, और अगर किसी चीज़ को रखने की बात हो रही है तब ले ये वाला यूज़ होगा, ठीक। आगे देखो, अगला आ रहा है आपका, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक, वो जिसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है किसी कॉज के लिए, लेट हिम स्पीक। अब यहाँ पे जो है लेट हिम स्पीक जो है थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसकी जगह पे आना चाहिए था शुड बी अलाउड टू स्पीक, क्या आना चाहिए था, शुड बी अलाउड टू स्पीक, मतलब उसे कहने देना चाहिए, शुड बी अलाउड टू स्पीक, ठीक है। लेट हिम स्पीक नहीं आएगा, शुड बी अलाउड टू स्पीक आएगा इसके अंदर, ठीक। थर्ड पार्ट में आपका एरर है, आगे देखो, I don't want to lose it, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लूज और लूज में डाउट होता है, ठीक है, कैसे, एक होता है एल डबल ओ एस ई वाला और एक होता है एल ओ एस ई वाला, इन दोनों में है। अगर आपको डिफरेंस पता है तो आप अभी कमेंट करके बता सकते हो वीडियो के नीचे, पता है डिफरेंस क्या है, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी, क्या डिफरेंस है लूज में और लूज में। जो आपका एल डबल ओ एस ई लूज है वो एक वर्ब है, ठीक है, ये होता है जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो, लूज छोड़ देना, ठीक है। लिख सकते हो लूजन, लिख सकते हो मीनिंग में, या फिर लिख सकते हो टू रिलीज समथिंग, किसी चीज़ को छोड़ देना, टू रिलीज समथिंग। और दूसरे का मतलब है लूज, इसमें मतलब होता है जब आपको कोई चीज़ मिलती नहीं है, जैसे आपने ये पेन रखा और ये पेन खो गया तो क्या बोलेंगे, आई लॉस्ट दिस थिंग, इस तरीके से। जब आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही, कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई बंदा नहीं मिल रहा, तो उस केस में क्या होगा, एल ओ एस ई वाला यूज़ होगा,
पर जब आप किस चीज को रिलीज कर देते हो, छोड़ देते हो, लूज कर देते हो, उस केस में क्या होता है, आपका लूज LOOSE वाला यूज होता है। काफी इंटरचेंजेबल है, समझ नहीं आता और डाउट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। LOOSE वाले में लिख लो अनेबल टू फाइंड समथिंग, अनेबल टू फाइंड समथिंग। थोड़ा भी इसे बेटर इमेज के थ्रू भी समझेंगे। देखो अब बड़ी अच्छी सी इमेज है यहाँ पे, ये दिखाई हुई है कि कैसे, मतलब लूज कपड़े हैं समझने के लिए। तो जब भी कभी आपको बोलना है कि कपड़े लूज हो गए हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या यूज़ करोगे, LOOSE यूज़ करोगे। और जो बच गया LOOSE वो कब यूज़ होगा, जब आप किस चीज़ को खो देते हो, गुम जाती कोई चीज़ आपसे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपका कि LOOSE लूज जो है वर्ब की तरह काम करता है, व्हेन यू आर अनेबल टू फाइंड समथिंग और अनेबल टू कीप समथिंग, जब से कोई चीज़ खो जाती है आप रख नहीं पाते हो, उस केस में LOOSE। एग्जाम्पल के लिए, डिड यू लूज योर होमवर्क शीट, क्या तुमने अपनी होमवर्क वाली शीट खो दी। तो जब खोने की बात हो रही है तो क्या होगा, LOOSE। या फिर आई ऑलवेज लूज माई कीज, मैं हमेशा ही अपनी चाबी घुमा देती हूँ, मेरे पास मतलब घूम ही जाती, कभी टिकती नहीं है चाबी, ठीक है, तो LOOSE का यूज़ होगा। और पास्ट में क्या यूज़ करेंगे, लॉस्ट का यूज़ करेंगे इसका पास्ट फॉर्म जो है, शी लॉस्ट हर फोन, उसने अपना फ़ोन खो दिया। तो इसमें क्या है, इसी देखो एक वर्ड से कितनी सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे लूज में क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, समथिंग दैट डजंट फिट टाइटली, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा लूज है, टाइट फिट में नहीं है, ठीक। माई ट्राउजर्स आर लूज, मेरे ट्राउजर्स जो है वो खुले हैं, लूज है, ठीक है। या फिर आई टाइटेंड द लूज स्क्रू विद अ स्क्रू ड्राइवर, मैंने जो पेज, जो पेज से स्क्रू ड्राइवर से पेज को कसा है, ठीक है, उस सेंस में। अब आगे देखो, काफ़ी अच्छे से बता दिया है मैंने, डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला आ रहा है आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर, मैं पहले बाहर काम करने जाया करता था। जब भी आपकी पास्ट की हैबिट होती है, पास्ट की हैबिट होती है, तो जब आपको यूज का वर्ड करना होता है तो आप कभी भी यूज नहीं बोलते, आप यूज टू बोलते हो, आई यूज टू हो जाएगा, आई यूज टू गो आउट, ठीक है। ये यूज के साथ USED लगेगा, यूज टू पास्ट में दिखाना है, ठीक। जैसे आई यूज टू गो टू जिम, मैं पहले जिम जाया करता था, वो जाया करता था में रहेगा, करंटली में कभी होता नहीं है, ठीक है, जिम फ्रीक नहीं है ज़्यादा हम इसलिए। चलो आगे देखो, नेक्स्ट आ रहा है आपका द टीचर हैज़ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर ने क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। तो जब यहाँ पे ऐसे सेंटेंस आते हैं कि टीचर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तो आपका क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ हो रहा है। और परफेक्ट का रूल क्या कहता है, हैज़ के बाद, हैज़ या हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ टेकन हो जाएगा, ठीक है। आप टीचर, क्योंकि यहाँ पे क्या था, सिंगुलर उसमें था, इसीलिए यहाँ पे हैज़ यूज़ हुआ और टेक का टेकन हो गया, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। आगे देखो इसमें, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3। टेंस वाले चैप्टर में डिटेल में करेंगे, वो भी वीडियो आएगी अभी, पहले अभी सिर्फ इतने टाइम के लिए इसे समझ लो कि हैज़ हैव V3 का यूज़ होगा, ठीक। आगे देखो, नेक्स्ट आ रहा है आपका वी रिक्वेस्टेड द वॉचमैन टू क्लीन अप द बेसमेंट सो दैट चिल्ड्रेन हैड इनफ स्पेस टू प्ले। हमने जो है वॉचमैन से रिक्वेस्ट की कि भाई बेसमेंट को सफाई कर दो, हमारे बच्चों ने खेलने आना है क्योंकि जगह नहीं है। अब सिंपल सी बात है, तुम वॉचमैन से रिक्वेस्ट नहीं करोगे, या तो तुम वॉचमैन को ऑर्डर दोगे क्योंकि पोजीशन ऐसी है ऑर्डर देने वाली है, या फिर आप उसे बोलोगे, आप आस्क करोगे कि भाई जरा बेसमेंट साफ कर दे, बच्चों ने खेलना है मेरे। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का टर्म यूज नहीं होगा, ये गलत है यहाँ पे। इसकी जगह पे या तो आप लिख लो ऑर्डर्ड, लिख लो वी ऑर्डर्ड, या फिर आस्क लिख लो वी ऑर्डर्ड द वॉचमैन, हमने ऑर्डर दिया कि भाई बेसमेंट को क्लीन कर दे क्योंकि हमारे बच्चों ने वहां खेलना है क्योंकि जगह नहीं है नीचे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड की जगह पे ऑर्डर्ड या फिर आस्क आ जाएगा, पार्ट वन में एरर है, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है द लॉयर आस्क्ड इफ इट वॉज वर्थ टू टेक द मैटर टू द कोर्ट। लॉयर ने पूछा कि क्या ये सही में केस कोर्ट ले जाने लायक है, क्या वर्थ है। हमें पता है कि जब भी आपका वर्थ वाला वर्ड आता है, वर्थ, इसके बाद ना वर्ब का ING फॉर्म लगता है, क्या लगता है, कहीं भी सेंटेंस मिल जाए तुम्हें वर्थ, वर्थ के आगे क्या लगेगा, हमेशा ING फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे टू टेक दिया, ये तो इन्फिनेटिव दिया है टू टेक, तो टू टेक की जगह पे क्या आएगा, टेकिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेकिंग आ जाएगा। तो क्या हुआ, वर्थ टेकिंग। एक एग्जाम्पल भी देती हूँ मैं,
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये अ रिस्क वर्थ टेकिंग, ये जो रिस्क है वो वर्थ टेकिंग है, कि हमें अगर हमें रिस्क ले लेंगे तो हमें आगे बेनिफिट ही बेनिफिट है, नुकसान नहीं है बेनिफिट ही है, ठीक है। इसलिए मैंने इसे ऐड किया है कि अगर वर्थ आ रहा है तो उसके आगे क्या होगा, VING का यूज होगा, इस तरीके से हम स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक। आगे देखो, अगला आ रहा है आपका द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन वेलकम बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी। प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट वन, अलोंग विद हमने पहले किया हुआ है, ऐसे कुछ वर्ड्स जैसे आपका हो गया विद हो गया, अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, किए हुए है ना, याद है कि नहीं, पिछली क्लास में ही बताए थे। ये सब वर्ड से पहले सब्जेक्ट वन आता है और इसके बाद आपका सब्जेक्ट टू आता है, तो जो वर्ब होता है वो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बनता है। मतलब कि अगर आपका पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो सिंगुलर बनेगा, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब बनेगा, ये रूल है। अब यहाँ पे क्या है, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग्स, हमें पहला सब्जेक्ट देखना है, पहला सब्जेक्ट द प्राइम मिनिस्टर है, सिंगुलर है, तो अगर ये सिंगुलर है तो यानी क्या, इसके आगे जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा, और स्टेटमेंट जो है पास्ट में चल रही है, और अगर ये पास्ट में चल रही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव बीन की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर था अपने कैबिनेट कलीग्स के साथ, उसे वेलकम किया गया था, किसने वेलकम किया था, चीफ मिनिस्टर ने किया था एक फॉर्मल सेरेमनी में, पास्ट है इसीलिए वॉज का यूज हो रहा है। वॉज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है और पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या होता है आपका ये वर्ब सेलेक्ट किया जाता है, क्लियर। आगे देखो, अब एक इमेज आ गई है यहाँ पे, ये बेसिकली मिक्स चलते हैं चैप्टर, वर्ब में भी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी, दोनों में कंबाइन है, बट क्योंकि वर्ब का एरर था इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया इस पर, ठीक है। अब देख लो, यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं, टुगेदर विद हो गया, अकम्पनीड बाय हो गया, अलोंग विद हो गया, एज वेल एज हो गया, ये जब भी आपके वर्ड्स आएंगे अपने साथ हमेशा क्या लाएंगे, दो सब्जेक्ट लेके आएंगे, और दो सब्जेक्ट में क्या होगा, जो पहला सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। द एक्ट्रेस अलोंग विद हर मैनेजर, द एक्ट्रेस क्या हुआ आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, अलोंग विद मैनेजर क्या हुआ सेकेंड सब्जेक्ट, और हमें पता है कि भाई पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगता है, तो यहाँ पे एक्ट्रेस सिंगुलर थी इसीलिए यहाँ पे वर्ब क्या लगा, इज लगा, ठीक है। ये है एरर में क्या देंगे, वहाँ आर दे देंगे और आपको पता नहीं चलेगा, आप सोचोगे दो चीज़ें दी हुई हैं, बट इसमें भी एक ट्रिक है, बता रही हूँ मैं। सेकेंड देखो, एक और, मिस्टर रॉबिन्सन अकम्पनीड बाय हिज वाइफ, अकम्पनीड बाय से पहले रॉबिन्सन है मिस्टर और बाद में हिज वाइफ है, मिस्टर रॉबिन्सन सिंगुलर है तो आगे क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर है। अब आपके मन में आ रहा है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे तो दो सब्जेक्ट दिए हैं, तो इसका एक रूल है, अगर ये वर्ड दिख रहे हैं टुगेदर विद अकम्पनीड बाय अलोंग विद एज वेल एज, इसमें तो यही रूल चलेगा कि पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, पर अगर यही दो वर्ड्स आपके एंड से कनेक्टेड है, इफ द कंजंक्शन एंड इज यूज इंस्टेड ऑफ वन ऑफ दिस फ्रेजेस, मतलब टुगेदर विद अकम्पनीड बाय अलोंग विद एज वेल एज के अलावा अगर एंड दिया है, ये वर्ड नहीं दिए, क्या बोला द एक्ट्रेस एंड हर मैनेजर, तो उस केस में क्या होगा आपका, तब आपका वर्ब जो है वो प्लूरल ही लगेगा, क्योंकि वो रूल है उसके अंदर कि एंड से जब दो आपके नाउन्स कनेक्टेड होते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल रखता है, तो इस चीज का ध्यान देना, ये तभी सिंगुलर या प्लूरल होगा जब आपका ये टुगेदर विद अकम्पनीड बाय फ्रेजेस ये, तब उसके अकॉर्डिंग चलेगा, बट अगर एंड से कनेक्टेड है दो सब्जेक्ट्स तो क्या होगा आपका, प्लूरल ही लगेगा इसके अंदर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ड्यू टू मी बींग अ न्यू कमर आई वॉज अनएबल टू गेट अ गुड हाउस, अब बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये एसएससी वालों का स्पेशली, मी बींग, ये रूल है कि अगर आपका कोई पोजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, पोजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके बाद हमेशा आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, क्या लगता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, या फिर कह सकते हैं कि जेरंड लगता है, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे बींग देख लिया तुम लोगों ने, बींग दिया हुआ है, तो बींग से पहले क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव लगेगा, मी तो है नहीं, मी की जगह क्या आएगा, माय आएगा, माय बींग हो जाएगा, तो आंसर क्या हुआ, यहाँ पे मी की जगह पे माय, ठीक। अब और क्या एग्जाम्पल्स है, माय हो गया, आर हो गया, योर हो गया, ठीक है, हिज हर हो गया, इन सब के बाद क्या आया आपका, इन सब के बाद आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, ये रूल है, ठीक। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, देखो, मी क्राइंग मेड हर सैड, मेरे रोने की वजह से क्या हुआ, वो उदास हो गई, ठीक है। अब क्राइंग तुमने यहाँ पे देखा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म देखा,
उससे पहले क्या आता है? पोजेसिव एडजेक्टिव आता है, और हमें पता है पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई हो गया, आर हो गया, योर हो गया, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखो आंसर दिया है कि मी की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे माई का यूज होगा, क्राइंग से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज, ठीक। एक और देखो, दैट बेबी लाफिंग इज इन्फेक्शियस। लाफिंग दिख रहा है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, इससे पहले क्या होगा, पोजेसिव लगेगा, पोजेसिव का मतलब एस लग जाएगा, तो बेबी इज लाफिंग हो जाएगा यहाँ पे। जरूरी नहीं हिज आर और वही yours, my दिया हो, उसके अलावा ऐसे वर्ड भी आ सकते हैं, ठीक है। तो पोजेसिव मतलब अपोस्ट्रोफी एस, या तो ये या फिर आपका my, आर, your अकॉर्डिंगली लगेगा, ठीक। ये दो तरीके के एरर थे। आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन दरुण हर्ड द न्यूज दैट हिज फादर हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड, ही कैंसल्ड हिज ट्रिप एंड रिटर्न बैक टू हिज विलेज। अब धरुण ने जैसे ही न्यूज सुनी कि उसके पापा हॉस्पिटलाइज्ड है, उसने फटाफट अपनी ट्रिप कैंसिल की और उसने क्या किया, रिटर्न बैक किया अपने गांव को, अपने गांव में वापस जाने के लिए उसने टिकट बुक कर ली। अब एक चीज देखो, यहाँ पे रिटर्न बैक का बहुत कॉमन एरर होता है, कभी भी रिटर्न के साथ बैक नहीं आ सकता, ध्यान रखना इस चीज का, रिटर्न के साथ कभी भी बैक का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस जाना, बैक का मतलब ही होता है वापस जाना, रिटर्न का मतलब वापस जाना, तो खाली आप रिटर्न का यूज करोगे, बैक का यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो खाली क्या होगा, रिटर्न टू हिज विलेज होगा, बैक नहीं आएगा। छोटी सी मिस्टेक है, पता नहीं चलती, आपका एरर इसके अंदर है, इस पार्ट के अंदर है, ठीक। आगे देखो, द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज। जो गवर्निंग बोर्ड है वो क्या है, कंप्राइजेस ऑफ, ये मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था, कंप्राइजेस के साथ ऑफ का यूज नहीं होता, ठीक। तो खाली क्या आएगा, कंप्राइजेस। अब आप सोच रहे हो क्यों, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मीनिंग का चक्कर है इसमें। देखो, कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ समथिंग, क्या मतलब होता है, कंसिस्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कंसिस्ट ऑफ समथिंग, ऑलरेडी मतलब उसको चीज को मिला के वो चीज बनी हुई है, ठीक है। तो इसने क्या लिखा हुआ है, द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज, मतलब तरह तरह की जो पर्सनालिटीज है वो सब उसके अंदर इंक्लूडेड है, उस बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो कंप्राइजेस का मतलब ही क्या है कि कंसिस्ट ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे ऑफ का लगना जो है गलत है, खाली सिर्फ कंप्राइजेस आएगा इसके अंदर, ठीक। आगे के इमेज आ गई है, देखो कंप्राइज और कंपोज में फर्क, कंप्राइज का मीनिंग सेम दिया हुआ है यहाँ पे, टू कंसिस्ट ऑफ या टू बी मेड अप ऑफ, मतलब उसके अंदर होना या उससे मिलकर बनना, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, और कंपोज का भी दिया हुआ है, द टर्म कंपोज इज अ वर्ब मीनिंग टू कॉन्स्टिट्यूट और मेक अप एज अ होल, कि मतलब एक उसमें एकजुट होके होना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, सो अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं, माय अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। मेरे जो अंकल हैं वो उस पर इतना खर्चा नहीं करेंगे जब तक वो ये नहीं सोच रहे कि वो उसके अंदर जाने वाले हैं, वो शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माई अंकल डज नॉट स्पेंड की जगह पे आएगा कैनॉट स्पेंड, ठीक है, क्या आएगा, कैनॉट स्पेंड। मेरे अंकल भाई स्पेंड कर ही नहीं सकते वहाँ पे जब तक वो ऐसा ना सोच रहे कि वो शिफ्ट करने वाले हैं, वरना मर जाएंगे वो, शिफ्ट वो पैसे नहीं लगाएंगे उस पर, ठीक है। अगर उन्हें शिफ्ट होना होगा तभी वो क्या है उस पर स्पेंड करेंगे, खर्चा करेंगे, ठीक है, थोड़े कंजूस अंकल हैं। आगे देखते हैं, अगला आ रहा है, नाइदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर्स आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस। अब इन पे क्या आ गया, नाइदर नॉर वाला वही सेम केस आ रहा है, रूल क्या था, नाइदर का पेयर क्या होता है, नॉर, वैसे ही आइदर और, इन सब का क्या होता है, जो नियरेस्ट आपका सब्जेक्ट होता है इन लास्ट वर्ड के, उसके अकॉर्डिंग ही क्या है आपका वर्ब लगता है, क्या लगता है, वर्ब लगता है। अगर नॉर के नियरेस्ट यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन दिया हुआ है तो जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल लगेगा, पर अगर सिंगुलर नाउन दिया है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। थोड़ा बेटर समझने के लिए, नाइदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर्स, ब्रदर्स क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आर इंटरेस्टेड ठीक दिया हुआ है, बताओ आर यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या ये सही है, बताओ सही है, क्यों, क्योंकि माय ब्रदर्स तो प्लूरल है ना, तो नाउन भी क्या है, प्लूरल दिया है यहाँ पे, तो ये नो एरर का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक। आगे देखो, इमेज के फॉर्म में नाइदर और को समझा रखा है, नाइदर नॉर टू कनेक्ट सिमिलर स्ट्रक्चर, जैसे यू आर नाइदर फैट नॉर शॉर्ट, ना ही तुम मोटे हो ना ही तुम छोटे हो, या आई वॉन्ट नाइदर फूड नॉर वाटर, मुझे ना ही पानी चाहिए ना ही मुझे खाना चाहिए, इस सेंस में यूज होता है। और अब जो हम समझ रहे थे उसके सेंस से बता देती हूँ,
नाइदर जैक नॉर टॉम इज माई ब्रदर। नाइदर आ गया, उसका पेयर नॉर आ गया, नॉर के नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हुआ हमेशा बाद में देखते हैं, टॉम आ गया, टॉम क्या है सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर आएगा, यानी इज यहाँ पे ठीक दिया हुआ है। ठीक, नाइदर माई ब्रदर्स नॉर माई मदर, माई मदर क्या है सिंगुलर है यहाँ पे, मदर अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा वॉन्ट्स, वॉन्ट्स ठीक है सिंगुलर वर्ब, तो यानी वॉन्ट्स ठीक दिया हुआ है। तो बेसिकली हमने क्या देखा, नाइदर नॉर हो आइदर और हो, जो लास्ट आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। आई होप समझ आ रहा होगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आ रहा है, नन ऑफ द डिप्लोमैट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल आइदर टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी थोड़ा बैलेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें और दिया है, और से पहले आपका क्या दिया है, 2+V1 दिया है, क्या दिया है 2+V1 मतलब टू कॉम्प्रीहेंड दिया है, टू कॉम्प्रीहेंड दिया है, और के बाद भी क्या आएगा 2+V1 आएगा, यानी टू सॉल्व द प्रॉब्लम हो जाएगा, टू सॉल्व द प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एरर कहाँ पे है यहाँ पे, ये और के बाद टू का यूज होगा, थर्ड पार्ट में एरर है, इसे बैलेंसिंग द स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक, आगे देखो, द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड सफिशियंट अरेबल लैंड टू द डिस्पोज्ड फार्मर्स। सबसे पहला टास्क क्या है, प्रोवाइड करना क्या अरेबल लैंड टू द डिस्पोज्ड फार्मर्स। अरेबल क्या होता है, किसी को मीनिंग पता है अरेबल का मीनिंग क्या होता है, अरेबल, अरेबल का मतलब होता है ऐसा लैंड जिस पे आप खेती बाड़ी कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहला टास्क क्या है, प्रोवाइड करना, यहाँ पे प्रोवाइडेड दिया, ये गलत है, क्या आएगा इज टू प्रोवाइड, इज टू प्रोवाइड सफिशियंट एरेबल लैंड। एरेबल लैंड मतलब कल्टीवेबल लैंड, जहां पे आप खेती बाड़ी कर सकते हो, मीनिंग लिख लो वो कैप का पार्ट है, कल्टीवेबल लैंड। ठीक है, उपजाऊ जमीन जहां पे खेती बाड़ी हो सकती है, तो यहाँ पे क्या आएगा इज टू प्रोवाइड सफिशियंट एरेबल लैंड टू द डिस्पोजेड फार्मर्स। पार्ट किस में एरर है, आपके ये फर्स्ट पार्ट में एरर है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आ रहा है, पेपर शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। स्टेटमेंट कैसे जा रही है, इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के बाद अगर आपका शुड बी आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद शुड बी आ रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और यहाँ पे क्या दिया है फर्स्ट दिया है, तो इसी जगह पे क्या आ जाएगा रिसाइकल्ड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि शुड बी के बाद V3 का यूज होता है, ये V3 का यूज, यानी इसके सेकेंड पार्ट में एरर है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट दैट दे मस्ट अटेंड स्कूल रेगुलरली। बड़ा कॉमन सा एरर है, पता भी नहीं चलता, टोल्ड के साथ कभी भी टू का यूज नहीं होता, क्या नहीं होता, टोल्ड के साथ टू का यूज नहीं होता, या तो तुम बोलो सेट टू, क्या बोलो सेट टू, आई सेट टू हिम, ठीक है मैंने उससे कहा, या तो बोलो सेट टू हिम, या बोलो आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम पास में, यहाँ पे क्या है आगे टू का यूज नहीं होगा। तो कहीं पे भी अगर आपको टोल्ड के बाद टू दिख रहा है तो वो गलत है, खाली टोल्ड रहेगा, टू यूज नहीं होगा, यानी फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। आगे देखो, आई रिमेम्बर मीट हिम 5 years ago, मुझे याद है उससे मिलना 5 साल पहले। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा ही क्या है जेरंड आता है, यानी वर्ब का ing फॉर्म आता है, रिमेम्बर उनमें से एक है, रिमेम्बर, अब रिमेम्बर के बाद क्या है वर्ब का ing फॉर्म आएगा, पर यहां तो खाली मीट दिया है तो क्या हो जाएगा मीटिंग। आई रिमेम्बर मीटिंग हिम 5 years ago, मुझे याद है उससे 5 साल पहले जो मिली थी, मुझे याद अच्छे से। ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ रहा है, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड, वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट। अब ये जो क्वेश्चन है आपका ये एंटीसीडेंट वाला है, एंटीसीडेंट क्या होता है, दैट से पहले अगर आपको कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगता है। बेस्ट मदर्स क्या था, प्लूरल था, था ना, मदर्स है ना, तो अगर ये प्लूरल है तो आगे वर्ब भी क्या लगेगा प्लूरल लगेगा, तो क्या आ जाएगा हैज की जगह पे हैव आ जाएगा, क्या आ जाएगा हैव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एंटीसीडेंट वाला क्वेश्चन है, एंटीसीडेंट में क्या होता है दैट से पहले जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। ठीक है, इससे सिमिलर एक और आगे आ रहा है, अभी डाउट क्लियर होगा जो मन में आ रहा है। ठीक है, थर्ड में एरर। अगला देखो, नाइदर ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स, अब ये वाला क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ हो गया,
आइदर ऑफ हो गया, वन ऑफ हो गया, नन ऑफ हो गया, इसके बाद क्या है, आपका प्लूरल रहता है नाउन, और जो वर्ब है वो आपका सिंगुलर रहता है. पर क्या यहाँ पे सिंगुलर दिया है वर्ब आपका, सपोर्ट क्या सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है बताओ, सपोर्ट सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है, वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बताओ. वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं जब उसमें एस लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, उसके अलावा वो प्लूरल होता है. तो ये अब बिना इसके क्या है, ये प्लूरल है, क्या है ये प्लूरल है. पर अगर मैं लिखूंगी सपोर्ट्स, ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, यानी यहाँ पे एस लगेगा. सपोर्ट्स आर क्लेम, सेकेंड पार्ट में एरर हो गया. क्यों? क्योंकि नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, इन सब्जेक्ट्स के साथ क्या होता है, आगे जो वर्ब होता है वो क्या लगता है आपका, सिंगुलर वर्ब लगता है. ठीक, अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को. आगे देखो, अगला क्वेश्चन आ रहा है, गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम. गेट दिस बुक थोड़ा अजीब सा है, गेट दिस बुक नहीं होता, लेट दिस बुक होता है. ठीक है, लेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम, इस बुक को पब्लिश करा लो भाई टाइम के अंदर अंदर. तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट में एरर है. ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच. जो कैप्टन है अपनी टीम के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है अपकमिंग मैच के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वर्ड दिया हुआ है अलोंग विद, विद पहले भी करा दिया है मैंने, फिर रिपीट कर देती हूँ, विद हो गया, अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, इनमें सब्जेक्ट वन होता है, सब्जेक्ट टू होता है, और आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है इसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगता है. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब. कैप्टन क्या है, कैप्टन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर की जगह पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा. ये एरर है इसमें. ठीक, आगे देखो, यहाँ पे प्रैक्टिसिंग वर्ड भी दिया हुआ है, इससे रिलेटेड भी आता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं यहाँ दोबारा बता देती हूँ. जब भी आप किसी ट्रेनिंग प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने की बात करते हो तो आप टी आई एस ई वाला यूज़ करते हो, और जब आप इसको नाउन की तरह यूज़ करते हो तो आप टी आई सी ई वाला यूज़ करते हो. तो एक चीज़ याद कर लो, कन्फ्यूज होते हो तो इतना याद कर लो कि भाई अगर जैसे पियानो की प्रैक्टिस हो गई, किसी गेम की प्रैक्टिस हो गई, तो टी आई एस ई वाला यूज़ करोगे, उसके अलावा क्या है, सी ई वाला चलेगा. ज़्यादा सोचना नहीं है, कन्फ्यूजन होती है क्योंकि. ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन आ रहा है, द कैपिटल ऑफ येमेन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल. द कैपिटल ऑफ येमेन इज सिचुएटिंग, इज सिचुएटिंग थोड़ी होगा यहाँ पे, जो कैपिटल है येमेन का वो सिचुएटेड है, ऑलरेडी है वहाँ पे, प्रोसेस में थोड़ी है ऑलरेडी. तो क्या आ जाएगा, इज सिचुएटेड आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ सिचुएटेड. ठीक है, ये एरर है आपका सेकेंड पार्ट में. अगला क्वेश्चन देखो, I am going to have this certificate attest by the doctor. Have के बाद क्या लगता है आपका, V3 लगता है, और यहाँ पे क्या दिया है, attest दिया है, तो क्या आ जाएगा, attested. क्या आ जाएगा, attested. क्योंकि have has के बाद have हो जाए, has हो जाए, verb का third form लगता है इनके बाद. ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, attested का use होगा. अगला question देख लेते हैं, next question आ रहा है, modern youth pay more attention to seeing films than to read books. बहुत अच्छा कंसेप्ट है दान का. रूल कहता है दान से पहले जो भी दिया है, अगर वर्ब का आई एन जी फॉर्म दिया है, वी टू दिया है, कुछ भी दिया है, बेस फॉर्म दिया है, वी थ्री दिया है, तो दान के बाद भी सेम रहता है. अगर यहाँ पे वी वन है या वी आई एन जी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वी आई एन जी होगा. मतलब क्योंकि यहाँ पे आपका वी आई एन जी फॉर्म था, सीइंग था, तो इसीलिए दान के बाद रीड का क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, रीडिंग बुक्स हो जाएगा. तो क्या होगा, रीडिंग बुक्स. ठीक है, स्टेटमेंट क्या बनेगी, मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स दैन टू रीडिंग बुक्स. ठीक, ये कंसेप्ट है. आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल्स इनटू द कॉलेज. ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, प्रोहिबिटेड वर्ड जो है आता रहता है. प्रोहिबिटेड जब भी आता है उसके साथ हमेशा वर्ब का आई एन जी फॉर्म लगता है, तो प्रोहिबिटेड टू नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा, और यहाँ पे ब्रिंगिंग हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे, प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग, फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल इनटू द कॉलेज. यानी एरर किस में आपका, इस सेकंड पार्ट में है. इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम ब्रिंगिंग लिखेंगे, क्योंकि प्रोहिबिटेड के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है और आई एन जी का फॉर्म यूज होता है. जो भी वर्ब दिया होगा उसको आपको आई एन जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको. आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आ रहा है,
ड्यू टू हैवी रेन्स द शिप ड्राउंड इन द मिडल ऑफ द ओशन. इतनी बारिश थी कि जो शिप था वो ड्राउन हो गया. अब एरर क्या है, ड्राउन में है. शिप कभी भी ड्राउन नहीं होता, शिप सैंक होता है, शिप डूब जाता है. ठीक है, तो पहली बात क्या, ड्राउन की जगह पे क्या आएगा, सैंक आएगा. अब भाई मुझे कैसे पता चले, कई बार हम सैंक भी बोल देते हैं, कई बार ड्राउन भी बोल देते हैं, समझ ही नहीं आता कहाँ क्या लिखना है. इसका याद कर लो, अगर कोई नॉन लिविंग चीज़ है, नॉन लिविंग चीज़ है, नॉन लिविंग शिप नॉन लिविंग है, तो उस केस में सैंक यूज़ होगा. पर अगर कोई इंसान डूब रहा है तो उस केस में ड्राउन यूज़ होगा. ठीक है, ड्राउन या ड्राउन अकॉर्डिंग टू वो. लिविंग बींग में क्या होगा, ड्राउन यूज़ होगा. एक एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ आपको. जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल दिख रहा है कि अगर कोई इंसान चीज़, जिंदा चीज़, लिविंग चीज़ डूब रही है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ड्राउनिंग बोलेंगे. अगर मैं भी डूबूंगी बोलूँगी आई एम ड्राउनिंग इन द वाटर, आई एम ड्राउनिंग इन द सी. पर अगर मैं कह रही वो देखो वो शिप डूब रहा है, तो शिप इज सिंकिंग होगा, सैंक होगा, जो भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रहेगा. ठीक, आगे देखो. अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक. मिस्टेक के साथ कभी भी डूइंग का यूज नहीं होता, यहाँ पे आता है आपका मेकिंग दिस मिस्टेक. क्या आएगा, मेकिंग. यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक. डूइंग दिस मिस्टेक गलत होता है, हम बोल देते हैं पर गलत है. यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक, तुम हमेशा यही गलती करते हो. ठीक है, मेकिंग आएगा, सेकेंड पार्ट में एरर है. आगे देखो, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ही हैज अ लार्ज फैमिली टू केयर. अभी टू केयर कुछ अधूरा सा है, टू केयर के आगे फॉर का यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे, टू केयर फॉर. तुम्हारी बहुत ही बड़ी फैमिली है जिसकी तुम्हें देखभाल करनी है. ठीक है, और भी क्या यूज कर सकते हैं, मैं लिख देती हूँ, टू केयर फॉर हो सकता है, या फिर आप यूज कर सकते हो टू टेक केयर ऑफ, टू टेक केयर ऑफ. ठीक है, या टू लुक आफ्टर भी कह सकते हो, टू लुक आफ्टर. ये तीन टर्म्स है जो यूज हो सकते हैं जब हम सेंटेंस बनाते हैं. खाली टू टेक केयर नहीं होगा, आगे फॉर का यूज होगा. ठीक, आगे देखो, दीज पॉइजनस गैसेस विल इफेक्ट आर हेल्थ. वही फेवरेट क्वेश्चन, इफेक्ट वाला, अफेक्ट और इफेक्ट वाला, पिछली वीडियो में भी बताया था. अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो देख लेना, कुछ कॉन्सेप्ट्स उसमें भी हैं इंपॉर्टेंट जो मिस हो गए होंगे अगर आपने नहीं देखी तो. ठीक है, अब इफेक्ट और अफेक्ट का देख लेते हैं. इफेक्ट हो गया आपका और आपका अफेक्ट हो गया. अफेक्ट का मतलब होता है आपका जब आप किसी में, किसी चीज में चेंज ला रहे होते हो, टू प्रोड्यूस अ चेंज, टू प्रोड्यूस अ चेंज. ठीक है, जब किसी चीज में बदलाव आ रहा होता है. क्या क्वेश्चन है, दीज पॉइजनस गैसेज विल अफेक्ट आर हेल्थ. जितनी जहरीली गैसेज है से क्या होगा, हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी. किसी को कैंसर हो जाएगा, किसी को ट्यूमर हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा. तो क्या ये अफेक्ट कर रही है हमारी हेल्थ को, चेंज ला रही है हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है, आगे देखो, एक इमेज है थोड़ा बेटर समझने के लिए. अफेक्ट का मतलब क्या, वही चीज़, टू इन्फ्लुएंस, असर करना किसी पे. द रेन वॉज अफेक्टिंग हर न्यू हेयर स्टाइल. बारिश हो रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ, उसके बाल खराब हो गए. पर अब उसका इफेक्ट क्या होगा, बारिश का इफेक्ट, बाल तो खराब हुए, साथ में जो मैं बीमार बढ़ूंगी वो उसका क्या हो जाएगा, वो इफेक्ट हो जाएगा. इस तरीके से हम समझ सकते हैं. ठीक है, या डेविड फेल द इफेक्ट ऑफ द लास्ट नाइट पार्टी. लास्ट नाइट डेविड ने बहुत अच्छी पार्टी करी, पर पार्टी का इफेक्ट क्या हुआ कि वो थका पर उसके सिर में हैंगओवर हो रहा बहुत जबरदस्त वाला. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इफेक्ट हो गया उस पार्टी का. ठीक, थकावट तो अलग बात है, बट जो हैंगओवर हो रहा है वो उसका क्या है, इफेक्ट है पार्टी का. ठीक है, इसलिए पार्टी कम करनी चाहिए. आगे, आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड द ऑपरचुनिटी नो एरर. अब यहाँ पे क्या है, अवेल्ड आ रहा है. दैट आई अवेल्ड नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा दैट आई माइसेल्फ अवेल्ड ऑफ. दैट आई माइसेल्फ अवेल्ड ऑफ, इस तरीके से लिखेंगे. अब कैसे पता चलेगा कि माइसेल्फ आएगा यहाँ पे, एक्चुअली क्या है, अवेल्ड वर्ड जो होता है अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करता है. ठीक, रिफ्लेक्सिव मतलब माई सेल्फ हो गया, आर सेल्फ हो गया, इस तरीके से. एग्जाम्पल दिखा देती हूँ मैं, ये देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी मैंने ऐड किया है. अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, यू है योर सेल्फ, ही है हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, आर सेल्फ और देम सेल्फ. तो कैसे पता चलेगा, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या दिया. अगर ही होगा तो वो हिमसेल्फ लगेगा वहाँ पे, ही हिमसेल्फ अवेल्स करके आएगा. अगर आई है तो इसीलिए मैंने क्या यूज़ किया, माई सेल्फ का यूज़ किया. ठीक है, आई होप क्लियर हो रहे हैं अलग अलग कंसेप्ट आपको. ठीक है, आगे देखते हैं. अगला क्वेश्चन आ रहा है, द वाइस चांसलर वॉन्ट्स ऑल वैकेंसीज
टू बी फिल्ड अप। अब यहाँ पे जो ये फिल्ड अप दिया है ये गलत है, ठीक है। इस फिल्ड अप का मतलब होता है कि किस चीज़ को मतलब पूरा कर देना, फिल कर देना। जैसे मैंने बोला प्लीज़ फिल अप दिस बॉटल, मतलब पानी से उसे भर दो, वो भरने वाली बात के सेंस में यूज होता है फिल्ड अप। पर अगर आप किसी वैकेंसी की बात करते हो, जॉब को फिल करने की बात करते हो, तो आप वहां पे कहते हो टू बी फिल्ड का यूज होता है, अप यूज नहीं होता। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या आएगा, टू बी फिल्ड होगा, अप का यूज नहीं आएगा, ठीक है। द वाइस चांसलर वॉन्ट्स ऑल द वैकेंसीज टू बी फिल्ड, फिल्ड वैकेंसी को भरना है, अपॉइंट करना है किसी को, पानी के ग्लास में पानी नहीं डालना है, ठीक है, उस चीज से फिल नहीं करना है। एग्जाम्पल देख लो एक बारी, मीनिंग लिख लो पहले। फिल का जो मीनिंग है, वर्ब है पहली चीज तो, सेकंड टू अपॉइंट समबडी, टू अपॉइंट समबडी टू अ जॉब, अपॉइंट समबडी टू अ जॉब। और फिल अप का मतलब है जो वहां पे दिया हुआ है उसका मतलब है, फिल अप विद का मतलब टू बिकम कंप्लीटली फुल, टू बिकम कंप्लीटली फुल मतलब पूरी तरीके से भर जाना। जैसे फिल अप द ग्लास विद वाटर, भर देना ग्लास को। पर अगर हम किसी वैकेंसी की बात कर रहे हैं, किसी जॉब की बात कर रहे हैं, तो खाली फिल का यूज होता है और ईडी से लगा क्योंकि पास में चल रहा था, ठीक है, कि फिल हो जानी चाहिए पूरी वो। आगे देखो, थर्ड में एरर है इसमें। अगला देखो, अगला दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग। अब क्या है यहाँ पे संभावना है, जब भी संभावना होती है वहां पे कैन का यूज नहीं होता, मे का यूज होता है। क्या होता है, मे का यूज होता है। तो लिख लो, मे जो होता है पॉसिबिलिटी बताता है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, और पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। मे कब यूज होगा, जब आप पॉजिटिव सेंस में पॉसिबिलिटी बताओगे। कैन कब यूज होगा, जब आपको कोई नेगेटिव स्टेटमेंट या इंटरोगेटिव स्टेटमेंट बतानी है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। जैसे मैंने बोला कैन दिस बी ट्रू, क्या ये सच हो सकता है, कैन आई डू दिस, इस तरीके से जब मैं सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कैन आई डू दिस, ये क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। आगे देखो, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स दैट हैव एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज इन 3 months। अब हरी क्या है, यहाँ पे लीडर है, अपॉइंट किया गया इस ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स में से, मतलब ये बहुत सारे वर्कर हैं, उनमें से हरी एक अपॉइंट किया गया है। हमें पता है यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, आगे क्या होगा आपका, यहाँ पे ग्रुप में से लिया होगा, और जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हैव दिया हुआ है, तो क्या आएगा इसी जगह पे, हैज आ जाएगा। हैज भी लगा सकते हो, हैड भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है वो, ठीक है। हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर दैट हैज एक्सेप्टेड या दैट हैड एक्सेप्टेड टू हेल्प, कि उसने मतलब एक्सेप्ट किया था कि वो हेल्प करेगा विलेज को ग्रो करने में 3 months के अंदर, ठीक है। आगे देखो, अगला आ रहा है आइदर सोहन और इज फ्रेंड्स, वही फेवरेट वाला टॉपिक, आइदर और वाला, आइदर के बाद और है, और के बाद सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स है। अब फ्रेंड्स क्या है, बहुत सारे हैं, तो अगर प्लूरल आपका वो है तो वर्ब भी क्या लग जाएगा, प्लूरल लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। एरर किस में, सेकेंड पार्ट में एरर है, ठीक। आगे देखो, नेक्स्ट आ रहा है, ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे अराइविंग देयर ऑन मंडे। ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे, टू अराइव देयर ऑन मंडे होगा, अराइविंग नहीं होगा, टू अराइव होगा, यहाँ लिख लीजिए टू अराइव देयर ऑन मंडे, ठीक। आगे देखो, थर्ड पार्ट आपका, ये सेकेंड पार्ट में एरर था, मार्क कर लो। आगे देखो 92 में, अ गर्ल मस्ट बी ग्रेशियस इफ शी विशेज टू बी अ बैलरीना। एक लड़की को क्या है, बहुत ज्यादा ग्रेशियस होना चाहिए, मस्ट बी के बाद ठीक है दिया हुआ है, इफ शी विशेज अगर वो चाहती है कि वो बैलरीना बने। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है, ठीक। शी के अकॉर्डिंग विशेज लगा हुआ है, वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, तो यहाँ ठीक है, ऐसे इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक। आगे देखो, नेक्स्ट आ रहा है, द कमेटी इज थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग अराउंड एनी चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर। जो कमेटी है वो सोच रही है क्या, कि कोई भी मतलब चेंज ना लाया जाए। ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग अराउंड यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ब्रिंग अराउंड की जगह पे आएगा ब्रिंग अबाउट। क्या आएगा, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट क्यों आएगा, ब्रिंग आउट का मीनिंग होता है टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग हैपन, ठीक है, ये आएगा।
और आपका जो आपका ब्रिंग अराउंड दिया है उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को मूव करना स्पेसिफिक लोकेशन से। लिख लो ब्रिंग अराउंड, इसका मतलब क्या होता है? टू मूव समथिंग, टू मूव समथिंग टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, किसी एक जगह पे स्पेसिफिक लोकेशन पे लेके जाना, ठीक है? ये डिफरेंस है। और यहाँ पे हमें क्या किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं? ब्रिंग अबाउट के सेंस में यूज़ कर रहे हैं, टू मेक समथिंग हैपन। क्या चीज़? द कमेटी इज थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग अबाउट एनी चेंज, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई मेजर चेंज ना आए, उस सेंस में यूज़ किया गया। इसलिए क्या है, यहाँ पे ब्रिंग अबाउट का यूज़ करेंगे, ठीक है? इस सेकेंड पार्ट में एरर है। अब एक एग्जाम्पल देख लो इसका, जिससे हम कहते हैं ना आपका ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड चेंज हुआ? व्हाट ब्रॉट अबाउट द चेंज इन योर एटीट्यूड? ब्रॉट अबाउट द चेंज, ठीक है? ब्रिंग का जो सेकेंड फॉर्म है क्या हो गया? ब्रॉट हो गया, ठीक? तो वही यूज़ किया गया कि ऐसा क्या हुआ टू मेक समथिंग हैपन कि आपका एटीट्यूड ही बदल गया। तो क्या यूज़ करेंगे हम आपका, ब्रिंग या ब्रॉट का यूज़ करेंगे? ब्रिंग अराउंड या फिर ब्रॉट अबाउट का यूज़ करेंगे, ठीक है? ये रहेगा इसके अंदर। आगे देखो, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन। लुकिंग फॉरवर्ड ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे पहले आएगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। डायरेक्ट थोड़ी आगे बस लुकिंग फॉरवर्ड लगा दोगे, सब्जेक्ट दोगे ना आगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं चाह रहा हूँ तुमसे मिलना। मीटिंग यहाँ पे ठीक है, यूजुअली एरर क्या आता है लुकिंग फॉरवर्ड के बाद ना, यहाँ पे वी वन दे देते हैं, आई एन जी का एरर होता है, पर इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो लोग सोचते हैं नो एरर का क्वेश्चन है। बट आगे सब्जेक्ट तो चाहिए ना कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ, ठीक? तो एरर किस में है आपके? फर्स्ट पार्ट में है। नेक्स्ट देखो, आई वॉन्ट दैट यू शुड परफॉर्म वेल। आई वॉन्ट दैट, वॉन्ट नहीं होगा, मैं कहूँगी भाई मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से परफॉर्म करो, तो मैं बोलूँगी आई होप दैट, आई होप कर सकती हूँ, या मैं कह सकती हूँ कि आई विश दैट, ठीक है? ये दो चीज़ें यूज होती हैं, इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है, ठीक? आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सर्वेंट हैंग्ड द लैम्प ऑन द वॉल। सर्वेंट ने क्या किया? लैम्प को हैंग कर दिया। पर क्या है यहाँ पे हैंग आएगा? हंग आएगा। हैंग का मतलब होता है फांसी लगाना। क्या आएगा? हंग आएगा। इसके मैं तीनों वो लिख देती हूँ कैसे यूज होते हैं, हैंग, हंग और हंग, ठीक है? जब भी आप किसी चीज़ को टांगने की बात करते हो, किसी नॉन लिविंग उसको टांगने की बात करते हो, खूंटी से अटैच करके, कोई पेंटिंग है आपको लगानी है, तो उसमें आप यूज़ करते हो हैंग, हंग या हंग का यूज़ करते हो। सेकेंड फॉर्म ये, बिकॉज ये पास्ट बता रहा है कि सर्वेंट हंग द लैम्प ऑन द वॉल, उसने लैम्प को दीवार पे लगा दिया, पास्ट में चल रहा है, इसलिए हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया इसका। पर अगर हम कहते हैं किसी ने फांसी लगा ली, हैंग टिल डेथ, तो उस केस में क्या होता है आपका? हैंग वाला यूज़ होता है। कौन सा वाला फॉर्म है? हैंग हो गया, हैंग्ड हो गया और हैंग्ड हो गया, ये तीन फॉर्म रहते हैं, ठीक है? ये किस सेंस में यूज़ होता है? ये डेथ के सेंस में यूज़ होता है, ठीक है? ये फांसी लगा ली किसी ने। एग्जांपल देखो आगे, जैसे ये है, ये लड़की क्या है? हैंग कर रही है पेंटिंग, सॉरी हंग कर रही है पेंटिंग को वॉल के ऊपर, और यहाँ पे जब फांसी लगाने की बात होगी तो क्या होगा? हैंग टिल डेथ। क्या होगा? कहते नहीं है कि इस मुजरिम को क्या है? फांसी की सजा दी जाती है, हैंग टिल डेथ, जब तक इसकी मौत नहीं होगी इसे टंगाए रखो, तो उस केस में हैंग का यूज होता है। तो कभी भी किसी की डेथ के सेंस में या सजा के सेंस में होता है तो यूजुअली हैंग्ड होता है, और पेंटिंग के सेंस में होता है तो वहां पे हंग का यूज होता है, ठीक? आगे देखो, नेक्स्ट आ रहा है, इन द बैक साइड ऑफ अ हाउस वी हैव अ रॉक गार्डन। सबसे मेन एरर है, बैक के साथ कभी भी साइड का यूज नहीं होता। क्या नहीं होता? साइड का यूज नहीं होता, सुपरफ्लूस होता है, खाली बैक ही रहेगा। इन द बैक ऑफ आर हाउस वी हैव अ रॉक गार्डन, हमारे घर के पीछे क्या है? एक रॉक गार्डन है, ठीक? तो एरर किस में आपका? इस फर्स्ट वाले में एरर है। नेक्स्ट आ रहा है, लॉन्ग कार जर्नीज आर इवन लेस प्लेजेंट फॉर इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रीड इवन। टू रीड इवन होगा, टू इवन रीड होगा कि मतलब पढ़ा भी नहीं जा सकता। लॉन्ग कार जर्नीज कैसी होती हैं? ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि भाई पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब गाड़ी चलती रहेगी सर्वाइकल हो जाएगा बंदे को, स्पेशली मेरे जैसे इंसान को, तो मैं तो बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ कि नहीं पढ़ना भाई गाड़ी के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा रीड इवन की जगह पे इवन रीड हो जाएगा, ठीक है? ये जंबल्ड है वर्ड, क्या हो जाएगा? इवन रीड हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आपका एरर है। लास्ट आ रहा है क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट आ रहा है, सॉरी, यू शुड हैव यूज द मनी फॉर पेइंग योर डेब्ट्स इंस्टेड ऑफ बाय अ मोटरसाइकिल। इंस्टेड ऑफ वाला मैंने बता रखा है कि जब भी आपका इंस्टेड ऑफ आता है
तो आगे आपका क्या यूज होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, तो क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ बाइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ बाइंग हो जाएगा। ये एरर है आपका, एरर्स आपका थर्ड पार्ट में हो गया। नेक्स्ट देख लो, लास्ट क्वेश्चन है एकदम। माई फादर हैज़ रिटर्न बैक टू चेन्नई यस्टरडे, मेरे फादर क्या है, वापस आ गए हैं चेन्नई कल रात को। रिटर्न के साथ बैक का यूज़ नहीं होता, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना। क्या मतलब होता है, वापस आना। रिटर्न का मीनिंग लिख लो, गो बैक या फिर टू कम बैक, गो बैक या फिर टू कम बैक, मीनिंग ही क्या है, वापस आना है। तो इसलिए हम क्या है, कभी भी रिटर्न के साथ बैक का यूज़ नहीं करते। ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। यहीं तक रखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। इतनी पेशेंस बनाए रखने के लिए थैंक यू आपका। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है, और अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना, सोचते मत रहना। और आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर लो, ठीक है, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा पे अभी ऐड कर लो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, आप छोड़ देते हो, पसंद आती हुई छोड़ देते हो, लाइक नहीं करते, थोड़ा हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए। हम मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं वीडियोस, अच्छा लगता है लाइक देख के, शेयर देख के, कि हाँ हमारी मेहनत जो है पहुँच रही है आप सब पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आईएससी स्टेनो के नेम से है, फेसबुक इंस्टा और टेलीग्राम पे आप अभी ऐड कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम कुछ और नए कंसेप्ट देखेंगे, और अगर आपका भी कोई सजेशन है कि मैम आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो चाहिए कि या इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वो कमेंट करके बता सकते हो, हम आपका लेंगे, सजेशन लेंगे, और हो सकता है हम उस पर वीडियो बना दें अगली, अगर हमें लगता है कि कॉमन सबके डाउट आ रहे हैं तो हम उस पर बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।